आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत मेरा परिवार। जब पूरा देश ही एक परिवार होता है तब कहां कोई छोटा या बड़ा होता है। परिवार में तो अगर कोई कमजोर रह जाता है तो उसे ताकतवर बनाने में हर सदस्य जुट जाता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एकजुट होकर चल रहा है। देखिए, जब देश ने गरीब परिवारों से भी उद्यमी बनाने की ठानी तो मुद्रा योजना का जन्म हुआ और इस क्रांति की भागीदार आधे से ज्यादा बेटियां बनी, और वो भी पिछड़े वर्गों की। जब देश ने गरीब की थाली की चिंता की तो 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त अनाज मिलने लगा। जब देश ने गरीबी को हराने की ठानी तो 4 करोड़ से अधिक पक्के आवास और 12 करोड़ से अधिक शौचालय बना दिए, 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 33 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड पहुंचा दिए, और सिर्फ 9 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर दिखाया। पहली बार देश ने केवल 10 साल में SC और OBC विद्यार्थियों को 47,500 करोड़ रुपए की विशाल छात्रवृत्ति दी। पहली बार देश की आंखों ने ट्रांसजेंडर्स की दुविधा देखी और उनके लिए अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया। जिनका कोई ठिकाना न था, भटकना ही जिनका जीवन था, ऐसे लोगों को भी नए भारत की नजरों ने ढूंढा और ऐसे विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए विकास कल्याण बोर्ड बनाया। 10 साल पहले अनुसूचित जाति के लिए जो विकास फंड 41,500 करोड़ रुपए के करीब होता था, वो आज 1,42,000 करोड़ को पार कर गया है। एक दशक पहले तक वंचित और पिछड़े वर्गों को सालाना 600 करोड़ तक के ही ऋण मिलते थे, जो कि आज 2 गुना यानी सालाना 1200 करोड़ रुपए से अधिक मिलता है। और इन फंड्स में से कई तो फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस्ड फील्ड्स में दिए गए हैं। मतलब कि पिछड़े वर्गों से आने वाले युवा आज नए भारत का उज्ज्वल कल लिख रहे हैं, लेकिन विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़े हैं तो इतने से आराम कहां। अभी तो हमें टेक्नोलॉजी के जरिए और अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचना है। तभी तो आज एक ऐसा पोर्टल बनकर तैयार है जिस पर जाकर देश के वंचित पिछड़े व्यक्ति रियायती दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। PM सूरज पोर्टल, यानी सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। न बैंक के चक्कर काटना, न किसी के आगे हाथ फैलाना। इस पोर्टल पर जाकर उद्यमी 15 करोड़ रुपए तक के व्यापार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल पर स्टार्टअप उद्यमी, इनोवेटर्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स या अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स में काम करने वाले रिसर्चर्स और रिसर्च स्टूडेंट्स भी 30 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता पा सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा PM सूरज पोर्टल का लोकार्पण हो रहा है। पोर्टल लॉन्च होते ही वंचित वर्ग के 1 लाख बहन भाइयों को केवल 3-9% की रियायती दरों पर 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के किसी भी मिशन का सबसे खास हिस्सा होती हैं महिलाएं। PM सूरज की भावना भी ज्यादातर महिला उद्यमियों को प्रेरित करने की है, जिससे पिछड़े वर्ग की बहनें गरीबी और निर्भरता के अभिशाप से मुक्त हो सकें, अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। आज के इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी नमस्ते स्कीम के तहत सफाई मित्रों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स एवं PPE किट भी वितरित कर रहे हैं। वंचितों को बढ़ने का साधन मिल जाता है, पिछड़ों को पहली कतार में आने का अवसर मिल जाता है। यही तो होता है जब पूरा देश एक परिवार बन जाता है। सबका साथ सबका विकास, ये नारा नहीं है, ये मोदी की गारंटी है।